महाराष्ट्र के अमरावती जिले में नागपुरी गेट थाने पर हाल ही में हुई एक घटना से तनाव फैल गया है। स्वामी यति नरसिंहानंद महाराज के मोहम्मद पैगंबर पर दिए गए विवादास्पद बयान का एक वीडियो शुक्रवार को वायरल हो गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई। वीडियो के चलते शुक्रवार रात बड़ी संख्या में मुस्लिम नागरिकों ने नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन का घेराव किया और आरोप लगाया कि नरसिंहानंद महाराज के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान कुछ नागरिकों ने पथराव कर दिया और थाने की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। नागरिकों के पथराव के कारण कुछ पुलिस कर्मी भी घायल हुए। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस का बड़ा दस्ता, जिसमें सीपी, डीसीपी और एसपी शामिल थे, मौके पर तैनात किया गया। देर रात तक पुलिस बल घटना स्थल पर मौजूद रहा और इस दौरान 10 से 15 पुलिसकर्मी घायल हुए। नागपुरी गेट क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस ने सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमरावती सिटी पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, धारा 144 सीआरपीसी के तहत पुलिस स्टेशन नागपुरी गेट क्षेत्र में लागू कर्फ्यू का पालन करें। इंडिया 24 समय लाइव टीवी पर फुरेज कुरेशी की रिपोर्ट। हम तमाम अहलिया ने अमरावती के सामने गुजारिश रखना चाहते हैं और अभी असल में हम लोग तहरीक की हमारी पूरी टीम दामनगांव के सफर पे है। हम यहाँ से आप लोगों को यह ऐलान कर रहे हैं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह पीसफुल तरीके से हमने नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन में गुस्ताख रसूल के खिलाफ एफआईआर का मुतालबा किया था और अभी हम लोगों को जो इत्तला मिली है वो बड़ी नाजुक सूरत हाल है। मैं अमरावती शहर के तमाम लोगों से और खुसूसन नौजवान लड़कों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग पुरअमन माहौल के साथ अपने अपने घरों की तरफ लौट जाए, और क्योंकि क़ियादत के बग़ैर कोई भी एहतजाज और कोई भी जुलूस कामयाब नहीं होता। आप लोगों ने तो ये सोचना चाहिए था कि भाई हमारे उलमाए किराम ने सुबह इसका बेड़ा उठाया है। आप लोगों ने थोड़ा इत्मीनान और सुकून रखना चाहिए था। कुछ लोग इसको अपने ज़ाती मफाद के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम तमाम शहर के लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट जाए और हमको जो भी काम करना है शरीयत के दायरे के अंदर और मुल्क के दस्तूर के हिसाब से काम करना है, आप लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट जाएं और प्रशासन को अपना काम करने दें। हम इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है कि इस पर जो गुस्ताखी की गई है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी और हमारा जो मुतालबा है वो इंशाल्लाह आगे तक भी पहुँचेगा। इसलिए आप तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है कि शहर के अंदर अमन सुकून का माहौल बनाए रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।